हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसमें ये बार बार हमें लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी के साथ क्या क्या परहेज हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो होम्योपैथी के साथ कॉफ़ी, कच्चा प्याज, पुदीने धनिया की चटनी, बहुत स्मेल वाली चीज़ें जैसे परफ्यूम्स होगी, हैवी परफ्यूम्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें परमिट नहीं करते। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली हमने इनमें से भी जो ज़्यादा अपनी मेडिसिन के साथ जो देखा है कि जो ज़्यादा इसका मेडिसिन का इफेक्ट काटती है, वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है, अगर वो अवॉइड करके बाकी सब चीज़ों को इतना थोड़ा कम किया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसके अलावा बड़ी छोटी इलायची, सौंफ, दालचीनी, ये सब थोड़े थोड़े परहेज ऐसे हैं जो कि खुशबूदार हैं या मसाले हैं, लेकिन इन सब को आप अगर सब्जी में डालकर यूज़ करते हैं तो इससे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कच्चा नहीं बस इनको लेना, आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। अगर इनमें से अगर मेन कहा जाए कि जो मेन जो अवॉइडेबल चीज़ है वो है कॉफ़ी। अब आ जाता है कि इन जनरल क्या क्या परहेज होने चाहिए अलग अलग कुछ कॉमन डिजीज़ में, जैसे कि अगर किसी इंसान को एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है, एसिडिटी वाली दिक्कत है, या GERD है, या फिर पाइल्स की दिक्कत है, फिशर है, फिस्टुला है, इन केसेस को ज़्यादातर मिर्च वाली चीज़ें, तली चीज़ें, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे किसी इंसान को गैंग्रीन है, गैंग्रीन के केसेस में एक बहुत ही असेंशियल जो प्रिकॉशन है वो है स्मोकिंग का। कुछ लोग आके बार बार ये कहते हैं कि भाई स्मोकिंग कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अगर स्मोकिंग करेंगे और हमारी मेडिसिन लें, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए स्मोकिंग का, जो बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो या तंबाकू खाना हो, किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू जा रहा है, आप उसको ना यूज़ करें। ये कॉमन है कैंसर केसेस में या गैंग्रीन केसेस में, किसी भी ऐसे केस में आप कृपया तंबाकू का सेवन ना करें। गैंग्रीन के केसेस को हम ज़्यादातर कहते हैं कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, भैंस का दूध ना पिएं, नॉर्मल HF गाय का दूध ना पिए, कोशिश करें देसी गाय का दूध पिया जाए, या फिर मीट वगैरह है इसमें, मीट वगैरह को थोड़ा अवॉइड किया जाए जितने दिन तक हो सके। तो ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशन, आप जैसे जिन लोगों को जोड़ों के दर्द होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, किसी भी टाइप के ऐसे पेन्स हो, तो उनमें हम परहेज करने को कहते हैं बाय वाली चीज़ें। बाय वाली जैसे कढ़ी, चावल, लस्सी, खट्टी चीज़ें, दालें, इनको हम परहेज़ करने को कहते हैं, चाहे हाई यूरिक एसिड हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई भी ऐसे जॉइंट रिलेटेड हो, बैक पेन हो, कोई भी टाइप का शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, कुछ भी ऐसा हो, तो हम उनमें बाय वाली चीज़ों को परहेज़ करने को कहते हैं। ऐसे ही रीनल डिसीजेज के जो केसेज आते हैं हमारे पास, क्रॉनिक रीनल डिसीज आते हैं, या कोई भी ऐसी कोई किडनी डिसीज़ के अगर केसेज आते हैं, तो उनको हम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गया, तो उनको हम ज़्यादातर कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का परहेज़ करें, ड्राई फ्रूट्स का परहेज़ करें, या फिर हम उनको कहते हैं कि मूंगफली या इस टाइप की सब चीज़ें। फ्रूट्स में सबसे सेफ़ है एप्पल, या फिर गुआवा या पपीता को भी थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन एप्पल सबसे सेफ़ माना जाता है।